हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खाओ खाओ, अच्छा खाना है, दाल अच्छी है। तुम 24 घंटे मेरी तरफ देखते क्यों रहते हो? एक काम करो, तुम अपना खाना खाओ, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। सिर्फ़ सर आई नहीं, 9 बज रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देख कर हंसते क्यों रहते हो? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? एसीपी सर ने कहा है कि घर पे रहो, तुम्हें देखते रहो और हंसते रहो। मुझे तुम्हारा हंसना पसंद नहीं, समझे? ए, मैं इस जेल में फंसा हूँ तुम्हारी वजह से। तो खून करके बाहर घूम रहा है। क्या कहा? खून किया मैंने? ए, उधर ही खड़े रहो। मैंने तुझे कहा मुझे हंसना चेहरे पसंद नहीं है। अपनी पसंद नापसंद अपने पास रखो, समझे ना? वरना मैं गोली मारेगा मुझे। सर पागल हो गया, ये खून जमा रहे इसके सर पे। क्या किया तुमने? सर ये बार बार मुझे देखकर हंस रहा था सर। इसने कहा कि मुझे गोली मारेगा सर। सर क्या कर रहे हो तुम पंकज? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए सर। नहीं बेटा, अब वहां जाना मुश्किल है, यहीं पे रहो, आराम करो। मैं घर जाऊंगा, मुझे थिएटर की रिहर्सल पे जाना है। कहीं नहीं जाओगे तुम? मैं जाऊंगा। नहीं निकुल, यहां तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ? शांति से रहो यहां पर, आराम करो। ये कौन बार बार मौत की घंटी बजा रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सरा यहां? हाँ मैं। अभिजीत, दया, तुम भी इस वक्त? क्या प्रॉब्लम है? वो जहां पे खून हुए वहां से एक चीज गायब हो गई है। क्या वहां से कोई चीज गायब है? ऐसी गलती कैसे हो गई तुम लोगों से? हा? उस घर को सील नहीं किया था अच्छी तरह से? और फिर तुम लोगों को पता कैसे चला कि वहां से कोई चीज गायब है? वो अच्छा, एक्चुअली सर हम लोग क्या, हम लोग सर वहां दोबारा गए थे। क्राइम सीन पर वापस गए? जी सर, वो एक नई बात सामने आ गई तो सबूत ढूंढने के लिए वहां वापस जाना पड़ा। मुझे बिना बताए? आपने कहा? आप ही ने कहा होगा। हाँ, मैंने कहा। ये अचानक आसमान से कैसे टपक पड़ते हो आप आग लगाने के लिए? देखो, आई एम योर बॉस। वही तो दुख है। क्राइम सॉल्व करना और क्राइम फाइट करना और तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी समझाना, ये मेरी ड्यूटी है। मुझे मेरी ड्यूटी मालूम है सर। अरे क्या ड्यूटी मालूम है? कोनी को घर में बिठा रखा है और उसे सुधारने का नाटक करते हैं। मेरे हाथ में कपड़ा रहे, तेरे गर्दन मारने के लिए, समझा? ये देखा, दया का हर बात का सोल्यूशन। पंकज ले जाओ इसे। अरे सर ये क्या आवाज आई आपके गर्दन में से? हड्डियां हिला के रख दी, कड़कड़ वाला डीसीपी। ठीक है, पहले ये बताओ वो कौन सी चीज है जो वहां से गायब हुई है? तुम्हें नहीं मालूम? ये लो। अगर मुझे मालूम होता तो आपसे मैं क्यों पूछता? सर वो ऐसी चीज है जिसके मिलते ये केस एकदम सॉल्व हो जाएगा। खूनी फटाफट फांसी पे चढ़ जाएगा सर, और कोई खूनी को बचा भी नहीं सकेगा सर। अच्छा, इतनी खास चीज है वो? जी सर।
मिलते ही केस सॉल्व हो जाएगा। यस सर। फटाफट खूनी फांसी पर भी चढ़ जाएगा। तो फिर है कहां वो चीज? क्या नकुल के अंकल आंटी और उसके दीदी का खून हो गया? जी हाँ, खून हो गया। और उनके घर से हमें ये जूते मिले, और हमने ये भी पता किया कि ये जूते आपके नाटक के किसी किरदार ने इस्तेमाल किए। ये जूते तो करण के हैं सर, हमारे नाटक के हीरो है वो। इसका मतलब वो जो पांचवा आदमी घर में घुसा था वो करण ही है। अच्छा, ये नकुल और करण के बीच में संबंध कैसे थे? सर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये करण कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बुलाओ सर। सर करण सर तो एक हफ्ते से शहर के बाहर गए, और हमारा नाटक अगले 10 दिन के बाद है, पता नहीं कब तक लौटेंगे। आप कौन है? सर मैं करण सर का मेकअप मैन। मैंने कई बार फोन लगाया, 3 दिन से उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क है सर। अब समझ में आया वो अचानक गायब क्यों हो गया, खून करके जो भागा है। वैसे करण का एड्रेस होगा ना तुम्हारे पास? सर करण बहुत चालाक है, उसने यहाँ घर नहीं लिया था। घर नहीं लिया मतलब? जी सर, पिछले 10 महीने से यहाँ के ग्रीन रूम में रह रहा है। कहाँ है ये ग्रीन रूम? सर ये रहा करण का ग्रीन रूम। ये है करण का ग्रीन रूम? ये जूते चप्पल सब करण के? जी सर, ये सारे जूते चप्पल करण के ही है। लगता है इस चप्पल से करण के पैरों की छाप मिल जाएगी। सर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, इस एजेंट से मिलना पड़ेगा। जरूर मिलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के मिटाने की कोशिश की। ये फोन नंबर्स किसके हैं कुछ मालूम है? नंबर तो पता नहीं है सर, पर जब भी सर किसी से फोन पे बात करते थे तब उन्होंने ये नंबर नोट किए थे, और हर वक्त कुछ पैसे की बात करते थे सर। ये है ना तुम्हारे करण साहब? जी सर, लगता है ये सारा पैसों का चक्कर है। ऐसे लगता है, ये नंबर हमारे काफी काम आ सकते हैं। मैं कई बार इन CID ऑफिसर्स के लिए तालियां बजानी पड़ती हैं, मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी वाह-वाह निकलती है मुंह से। सही कह रहे सर, अभिजीत वाकई में एक सुपर डिटेक्टिव है। मैंने अभिजीत का नाम लिया है। सॉरी, मुझे तो लगा कि क्या लगा? तुम्हारे दिमाग में हमेशा अभिजीत घूमता रहता है, इसलिए जब देखो तब अभिजीत अभिजीत। मेरे दिमाग में नहीं घूमता है, मेरे लिए CID का हर ऑफिसर बराबर है। अंडरस्टैंड अभिजीत? तारिका जी, मैं दरअसल कह ये रहा था, ये जो चप्पल CID ऑफिसर उस थिएटर में से उठा करके लाए हैं ना, यही ना जो करण के हैं? जी यही जो करण की है। इस पर जो पैरों के निशान हैं, उसका फोटो घर पर जो निशान है उससे मिल गया है। सर वो खून से बने हुए निशान जो लाशों से चलकर सीढ़ियों की तरफ गए थे? जी, वो निशान मैच हो गए। सर मतलब करण खूनी है? बिल्कुल बिल्कुल, करण ही खूनी है। खून से सने हुए पैरों के निशान करण के ही हैं। लेकिन सर खून करने के लिए खूनी अपने जूते क्यों उतार के गया? क्योंकि जूते बोलते हैं। हाँ तारिका, क्योंकि ये जूते बोलते हैं। ये देखो, खूनी अगर इन जूतों को पहनकर अंदर जाता तो आवाज होती ऐसे, और किसी को भी पता चल जाता कि घर के अंदर कोई आया है। इसलिए खूनी ने अपने जूते बाहर ही छोड़ दिए। Ah!
थैंक यू। अब आप तीनों भी जा सकते हैं। लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि पहले नवीन जी का खून हुआ, फिर प्रिया का और फिर समिता जी का? सिंपल है पूर्वी, अंकल के घाव में और किसी का भी खून नहीं था, सिर्फ उनका अपना ही खून। अब खूनी ने पहले अंकल को मारा, बस उसी वक्त अंकल का खून इस कोयते पर आ गया। उतने में प्रिया जब वहां से आ गई तो खूनी ने प्रिया को भी मारा। अब अंकल का खून जो इस कोयते पर लगा था वो प्रिया के घाव में आ गया। उतने में वहां से समिता आ गई। समिता को मारने के लिए खूनी ऊपर गया, उसने समिता को मारा। उस वक्त इस कोयते पर अंकल और प्रिया इन दोनों का खून था जो समिता के शरीर पर आ गया। सर पैरों के निशान करण के हैं, मतलब सर बात साफ हो गई कि सारे खून करण ने किए। मगर सर करण अपने जूते छोड़ के क्यों भागा? हाँ सर, अगर जूते पहन के भागता तो और तेज भाग सकता था। जैसे ही करण ने उन तीनों को मारा होगा, शायद उसी वक्त नकुल वहां पे आ गया और उसे देखते ही करण वहां से भाग निकला, मगर हड़बड़ी में अपने जूते छोड़ कर गया। पर सर इन तीनों का खून नकुल के कपड़ों पर कैसे गया? जरा सोचो पूर्वी, बेचारा नकुल जैसे उसने इन तीनों की लाशें देखी वो घबराया होगा, सदमा पहुंचा होगा उसे, बस उसने जाकर एक एक को जगाने की कोशिश की होगी, गले लगाया होगा और उसी में इन तीनों का खून उसके शरीर पर आ गया। समझ में नहीं आ रहा सर, करण ने इन तीनों को मारा क्यों? बॉस इस अजय का क्या करने का, हमारा 5 लाख का कर्जा दिए बगैर भाग रहा था, वो भी दिल्ली। भाई भाई माफ कर दीजिए मुझे भाई, बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी का होना बहुत जरूरी होता है। अजय तूने सट्टा खेला और हार गया, तूने मुझसे पैसे उधार लिए फिर सट्टा खेला और फिर हार गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन तुझे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो मुझसे एक तिनका भी ले जा सके। क्या बात है? ए, कौन तुम लोग और यहां तक कैसे है? दरवाजे से। मेरा मतलब है किसने रोका नहीं तुम लोगों को? रोका तो पुलिस वालों को जाता है भाई, हम लोग तो सट्टा खेलने आए। यहाँ कोई सट्टा विट्टा नहीं चलता, चलो निकले यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए हैं? सब लोग सट्टा लगा रहे हैं, हम भी सट्टा लगाएंगे। कौन हो तुम लोग? तुम लोग तो ऐसे डर गए जैसे हम लोग सीआईडी से। क्या बोल रहे हो तुम लोग? हम बोल रहे हैं कि हमें सट्टा लगाना है, तुम्हारे बॉस को बुलाओ। ठीक है तुम लोग यहीं रुको, मैं बॉस को बुला के आता हूँ। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? बोल दिया तो संभाल लेंगे। आइए। यह है करण सब का एजेंट। थैंक यू, आप जा सकते हैं। Yes. जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूं आपकी? सीआईडी जी, हमें करण के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। करण जी, मशहूर थिएटर कलाकार करण आपके क्लाइंट है ना? जी हाँ, वो मेरे ही क्लाइंट है। लेकिन बात क्या है? देखिए, उन्होंने 3-3 लोगों का खून किया और अब फरार है, उसी सिलसिले में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। मुझे तो मिस्टर करण हमेशा से ही संकी लगते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो खूनी भी हो सकते। पता नहीं उनकी पत्नी उन्हें कैसे बर्दाश्त करती होगी। पत्नी? करण शादीशुदा है? कल ही उनकी पत्नी यहाँ आई थी। मिस्टर करण के मेडिक्लेम के चेक हमारे पास पड़े थे, उन्हें लेने। मेडिक्लेम? अच्छा, ये करण को क्या हुआ है? दरअसल करण का पिछले कुछ महीनों में 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ था, उसके चलते उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, इसीलिए उन्होंने मेडिक्लेम के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, ये बात है जी। बड़ा ही अजीब आदमी है वो। अजीब मतलब? देखिए, पहले उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया और क्लेम का पैसा भी लेने नहीं है, आखिर में उनकी पत्नी आकर वो चेक लेके गई। क्या हम करण के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं? जी हाँ जरूर, अभी दिखा रहा हूँ। ये करण की पत्नी है। बॉस, ओ तो ये है तुम्हारे बॉस,
तुम लोगों को कैसे पता लगा कि यहाँ पर सट्टा खेला जाता है? अरे वो अपना एक्टर है ना, एक्टर, वो करण, उसने बताया। करण कहाँ है? अरे ये तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि करण कहाँ है, क्योंकि तुम लोग अपने कर्जदारों पर कड़ी नजर रखते हो। नहीं बोस, किसी ने बाहर पक्या और रघु को बेहोश कर दिया। कौन हो तुम लोग? CID। तुम दोनों यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से बाहर तुम दोनों की लाशें जाएंगी। ये क्या कर रहे हो? ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। कोई गोली नहीं चलाएगा, वरना तुम्हारा ये बॉस गया। चल, अपनी अपनी गन रखो, चलो। नीचे पीछे हटो। चल। और तू अब ये बता कि तेरा क्या सौदा हुआ था करण के साथ। बल। बताता हूँ साहब, सब कुछ बताता हूँ। करण सट्टा खेलता था, उतना ही नहीं, उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो पैसे उसने बाहर लोगों को ब्याज पे दे दिए थे। हाँ साहब, और पिछले 6 महीने से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। लेकिन एक बार हमें विश्वास हो गया कि हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा, तो हमने उसे कुछ नहीं किया था। और ये पैसा वापस देने की गारंटी किसने दी थी तुम्हें? साहब, कुछ दिन पहले यहाँ एक औरत आई थी, उसने वादा किया था कि वो सारी रकम 2 हफ्ते में लौटा देगी। कौन थी वो औरत? पता नहीं साहब, लेकिन उसने कहा था कि वो करण के रिश्तेदार है। पैसा लौटाने का वादा करने के बाद कहीं वो गायब ना हो जाए, इसलिए हम उसे घर तक छोड़ने गए थे। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे और वो जगह दिखाओगे। चलो। बोल, ये उसी औरत का घर है जिसने करण का कर्जा चुकाने की बात की थी? हाँ साहब, मगर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। उसने कहा था कि वो यही रहती है। मतलब कुमकुम भी इन सब में मिली हुई है। अंदर चलकर देखते, और तुम लोग भी साथ में चलोगे। चलो चलो। सर, सर आप लोग यहाँ पे? तो लगता है करण की सट्टेबाजी आपको यहाँ तक खींच लाई। सर, क्या करण इन लोगों के साथ बैटिंग करता था? और करण कर्जे में डूबा हुआ था, और जानती हो करण के कर्जा चुकाने का वादा किसने किया था? शायद मैं जानती, करण की पत्नी। करण की पत्नी कुमकुम? यकीन ही नहीं होता, इन सब में कुमकुम शामिल है। सर एक और जरूरी बात, सर जब मैंने कुमकुम की बहन से बात की जिसकी शादी में नकुल गया था, तो उसने बताया कि वो करण को जानती नहीं। वो तो ये भी नहीं जानती कि उसकी बहन कुमकुम की शादी करण से हुई है। ये कुमकुम ने शादी की बात हम सबसे छुपाई क्यों? शायद उसे पता था कि उसके घर वाले करण को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि करण को सट्टेबाजी की लत थी और वो कर्ज में डूबा हुआ था। इस केस की सबसे बड़ी गवाह अब खुद शक के घेरे में है। श्रेया, जरा आस पड़ोस से किसी को बुला के लाओ जो कुमकुम के बारे में कुछ बता सके। सब सारी किताबें बिखरी पड़ी है। हाँ फ्रेडी, लगता है कुछ ढूंढ रहा था कोई इस घर में। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से छान मारो। अच्छा ये बताओ कि कुमकुम ने तुम लोगों को बताया था कि वो करण की पत्नी है? नहीं साहब, उस औरत ने तो सिर्फ इतना ही बताया था कि वो करण का कर्जा चुकता कर देगी। और हाँ साहब, उस दिन के बाद से करण दिखाई नहीं था। उस दिन के बाद से करण दिखाई नहीं दिया? नहीं साहब। साहब, अच्छा आइए, ये शयाली जी हैं और बगल के बंगलों में रहती है। इनका कहना है कि कुमकुम तो घर छोड़ के जा चुकी है। हाँ सर, देर रात को जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो कुमकुम अपना सामान लेकर किसी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये पहचानती हैं आप? ये कुमकुम का पति? अरे ये तो करण है सर, थिएटर का फेमस एक्टर। हाँ इसे मैंने एक दो बार यहाँ आते जाते जरूर देखा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये कुमकुम का पति है। सर आइए। सर ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं। चल। आने के सर, ये देखिए सर, यहाँ पे सारी चीजें।
स्प्लिट पर्सनैलिटी। किताबें कैसेट, ये क्या, ये आर्टिकल भी? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। ये कुमकुम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे रिसर्च क्यों कर रही थी? ये दो दो पर्सनैलिटी की बीमारी की किताबें हैं, उस पे किए गए रिसर्च के पेपर, ये सब कुमकुम के घर पे क्या कर रहे हैं? हाँ, ना कुमकुम को ये बीमारी है, ना ही उसे पता है कि नकुल कोई बीमारी है। एसीपी साहब कहाँ? सर, हम लोग नकुल से मिलकर आ रहे हैं अभी। उसी से पता चला कि वो कुमकुम और करण दोनों को जानता था और उन दोनों को मिलवाया भी उसी ने। अब करण कुमकुम ने शादी की है ये वो नहीं जानता। खजाना नकुल, क्या बड़बड़ा रहे हो अपने आप से? तुम्हें कुछ बोलना है? मैं ठीक हूँ ना? तुम्हें क्या लगता है, कोई मुझे समझता है? नहीं, मुझे घर जाना है। बहुत जल्दी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद चले जाना। चाचा जी ने कहा है घर जाके घर की सफाई करनी है, मैं घर जाके घर की सफाई करूंगा, सफाई करूंगा। जी, कितने गंदे हाथ है तुम्हारे, दूर रहो और छूना मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अंदर कमरे में चल के थोड़ा आराम कर लेना ना। चलो, मुझे मुझे आराम करना, आराम करना है मुझे, आराम करना, आराम करना मुझे। नकुल, तुम्हें भूख लगी होगी ना, बोलो क्या खाओगे? आराम करना है। सर, करण का फोन गोवा में ट्रैक हुआ है और सर इस लिस्ट में सारी जगहों का नाम है जहां पर करण पिछले 48 घंटे से था। सर, अगर ये करण गोवा में है, ये कुमकुम भी गोवा में ही होगी। हाँ, काम करो, गोवा एक टीम भेज दो। एसीपी प्रद्युमन, क्या नकुल क्लिनिक से किडनैप हो गए? किसी तेज हथियार से वार किया है अमित पर, शायद पीछे से ऐसे काटा, पीछे से पकड़ के। कुनी को देखा किसी ने? नहीं सर, ये यहाँ का वॉचमैन उदय, जब ये यहाँ पर आया तो देखा तो अमित मरा पड़ा था। तुमने भी किसी को नहीं देखा यहाँ से जाते हुए या भागते हुए? नहीं सर। सर, सर हॉस्पिटल का वार्ड, कंपाउंड, कमरा सब छान मारा सर, लेकिन नकुल का पता नहीं चला। अच्छा, खून के निशान, सर लगता है किसी को घसीट के ले जाया गया। शायद नकुल को ही। ये देखो, जरूर खूनी ने पहले अमित को मारा और फिर नकुल को घसीटते ले गया। ये क्या है? अरे, जरा रुमाल देना तो। लगता है ये किसी लड़की का नाखून है। लेडी स्विंगर नेल, ये क्या नेल पॉलिश में लगा हुआ है? सर, कहीं ये काम कुमकुम का तो नहीं? नहीं पंकज, कुमकुम तो गोवा में है ना, ये किस औरत का नाखून है? जरूर ये कोई और औरत है जो नकुल को यहां से लेकर गई। कौन
कौन है वो औरत, कौन है वो औरत? नकुल को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। यार ये हम लोगों ने ठीक नहीं किया। हम चोरी चोरी प्रदुमन के घर में घुस गए ना, ये तुम लोगों ने मुझे लपेट लिया। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, खूनी को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी है और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम लोग करो यार, ये मुझे इसमें मत फंसाओ। मालूम है मैं और प्रदुमन कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, और वो बात अलग है, मैं बदमाश था और वो एक बहुत ही शरीफ आदमी, मालूम दिन रात पढ़ा करता था। सर हम लोग वो चीज ढूंढ ले, कहीं ऐसे भी सर वापस ना जाए। ढूंढो ढूंढो यार, मैं इस पाप में भागी नहीं होगा, वो आ गया तो मेरी नाक कट जाए। मिल गया सर। अरे मिल गया? हाँ सर। अरे ये फोटो में ये चीज, यही चीज है सर। ओह नो, ये अच्छा नहीं हुआ। ये प्रदुमन कुछ चीज चुरा सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सर अब तो सबूत आपके सामने है। हाँ है सर, ये नकुल नाम का बुखार चढ़ गया है एसीपी साहब के सिर में। सर ये करण और कुमकुम के मोबाइल लोकेशन से लग रहा है कि दोनों एक जगह रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ, इनकी लोकेशन यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे। अरे ये क्या, नेटवर्क चला गया? सर लगता है इस इलाके में रेंज ही नहीं है। श्रेया अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर आ गया नेटवर्क, ये चला गया। सर आया। सर अगर नेटवर्क ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहा तो हम उनकी लोकेशन का पता ही नहीं कर पाएंगे। ये बात है, एक काम करते हैं, उनकी आखिरी लोकेशन पर चलते हैं, किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा उन्हें। सर सर इधर 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 लेफ्ट में सर, ये उनकी लास्ट लोकेशन है। अरे भाई साहब। जी कहिए। एक मिनट, हम लोग सीआईडी से, जरा इन फोटोज को ध्यान से देखिए। देखा है आपने? नहीं नहीं, इनको नहीं देखा हमने। एक्सक्यूज मी, बोलिए, आपने इन दोनों को यहाँ कहीं आसपास कहीं देखा? नहीं, ये इन दोनों को यहाँ से ज्यादा देखा क्या? नहीं, इधर कहीं नहीं देखा। कमाल अच्छे, ऐसा कैसे हो सकता है, एक करण और कुमकुम को किसी ने देखा तक नहीं, और ना ही वो कहीं रास्ते में रुके। हाँ सर, सफर इतना लंबा है, कहीं ना कहीं तो रुके होंगे ना वो दोनों। ये बात तो अच्छे, चलो देखते हैं नेटवर्क क्या बताता है। नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ सो की टोकरी मेरे सामने लाके मत रखना, और एक बार भी फोन किया ना कि सॉरी सर नकुल नहीं मिला है तो देखना मैं क्या कर सकता हूँ, समझे? या मैं सीआईडी ब्यूरो में सॉरी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। कोई भी सीआईडी ऑफिसर सॉरी बोलते हुए मुझे नजर नहीं आना चाहिए। हाँ और जाओ, रोड पे जाओ, गलियों में जाओ, लोगों को दिखाओ उसका फोटो, किसी ने तो देखा होगा उसके कहीं तो जाते हुए। हाँ मगर नकुल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला ये मुझे मत कहना, नहीं तो सीआईडी ब्यूरो में वापस बताना, समझे? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो डॉक्टर प्रियंका, वही जिसके सिग्नेचर है? हाँ सर, जिसने करण के मेडिक्लेम के पेपर्स पे साइन किए थे, वो एक साइकियाट्रिस्ट है सर। डॉक्टर प्रियंका साइकियाट्रिस्ट है? सर। और करण उसके पास जाता था, क्यों? करण को कोई दिमागी प्रॉब्लम है क्या? ये तो पता नहीं सर, पर किसी ने प्रियंका के क्लिनिक को आग लगा दी। डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगा दी? अब वो हॉस्पिटल में पड़ी है, जल गई है, मगर बच गई। तो फिर दया उसको जाके पूछो ना कि क्या दिमागी प्रॉब्लम है करण को। हाँ बहुत कुछ पता चल जाएगा वहां पे, करण को क्या बीमारी है, उसकी नकुल से क्या दोस्ती है, दोनों के दोनों ने मिलके खून किए हैं, या फिर नकुल को बचाने के लिए करण को फंसाया जा रहा है।
कौन बचा रहा है नकुल को? पता नहीं, तुम बताओ। आप ही ने इल्जाम लगाया सर, तो आप ही बताइए ना। बताओ। हाँ बताइए, छुपा के रखने की क्या जरूरत है? तो ये लो फिर। ये मुट्ठी खुल गई तो कहर आ जाएगा यहाँ ब्यूरो में। फिर कोई नया ड्रामा? इस ड्रामे का अंत बहुत बुरा होने वाला है प्रद्युमन। चित्रोले साहब, मैं तंग आ चुका हूँ आपकी ड्रामों से। अब खोलिए मुट्ठी। खोल दो। सब लोग हाथ जोड़ो, भगवान प्रसन्न होंगे तब चित्रोले साहब अपनी मुट्ठी खोलेंगे। तो ये लो। ये तो वहीं पे थी, शायद खून में थी। हाँ, ये वहीं पे थी, और वहां से कोई इसे उठा के ले गया। कौन ले गया था इसे? दया को मालूम? मुझे मालूम है। तो फिर सर बताइए, क्राइम सीन पर से कौन ले गया था इसे? ये चीज मुझे तुम्हारे घर में से मिली है। क्या? कहां से? तुम्हारे घर में से। मेरे घर से मिला? मतलब आप मेरे घर में घुसते थे? मुझसे बिना पूछे आप मेरे घर में घुसे थे? मेरे घर में घुसे थे आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तो गन कहां है? कहां है मेरी गन? अरे गन क्यों निकाल रहा है भाई, वायलेंस। कहां है मेरी गन? लगता है मेरा फोन आने वाला है। हेलो हेलो, चित्रोले सर, रुक जाइए, जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए मुझे। चित्रोले सर ने अच्छा नहीं किया ये दया, अच्छा नहीं किया उन्होंने ये। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अकेले तो कभी नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तो साथ में था उनके, शायद कोई अपना ही। मेरे घर में तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो फिर वो घुसे तो अलार्म क्यों नहीं बजा? अभी पता चल जाएगा। अभिजीत और दया, अभिजीत और दया, दया, दया। सर वहां आगे खाबा दिख रहा है, वहां चल के पूछताछ करें। चलो उधर भी कोशिश करके देखते हैं। इन फोटोज को ध्यान से देखिए, क्या ये आपके ढाबे में आए थे? अरे राजू इधर आ, देख लगते तो वही है ना। जी साहब। वही कौन? मेम साहब, एक आदमी और एक औरत एक घंटे पहले सुनहरे रंग की गाड़ी में यहाँ आए थे, ये शायद वही होने चाहिए। वही होने चाहिए मतलब? तुमने उन दोनों का चेहरा नहीं देखा था? साहब उसने बड़ी वाली टोपी और काला चश्मा पहन रखा था, इसलिए चेहरा ठीक से देख नहीं पाए हम। और वो औरत? वो औरत तो गाड़ी में ही बैठी थी, इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। दरअसल साहब बात ऐसी है कि वो आदमी कह रहा था कि उस औरत की कुछ तबीयत खराब है, उसे कुछ चक्कर से आ रहे थे, इसीलिए वो मुझसे एक बोतल पानी और थोड़ी सी शक्कर ले गया था। पानी की बोतल और थोड़ी शक्कर लेके गया, उसके बारे में कुछ और याद है तुम्हें? गाड़ी का नंबर? सर सुनने में आया है कि पूरा क्लिनिक जलकर राख हो गया, पर डॉक्टर प्रियंका बच गए सर। पूरा क्लिनिक जलकर राख हो गया लेकिन डॉक्टर बच गई? सर उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था, शायद इसलिए। सर कुछ और ही लग रहा है, लगता है अर्जन का चक्कर है। देख लेते हैं। सर ये मास्क पहन लीजिए, इनका शरीर जल चुका है पर वो आप लोगों से बात कर सकते हैं। सर आइए। सर डॉक्टर प्रियंका, सीआईडी वाले। हेलो डॉक्टर प्रियंका, ये सब कैसे हुआ? मैं अंदर थी, पता नहीं कैसे आग लग गई। कोई बात नहीं, ये तो हम पता लगा लेंगे। एक्चुअली हमें करण का मेडिक्लेम मिला था जिसमें आपके दस्तखत थे। हाँ,
मैं करण का इलाज कर रही थी। उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। करण को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था? यही है ना करण? हाँ, वो एक ही सेशन के लिए आया था, उसके बाद वाले सेशन के लिए कोई दूसरा आता था। कौन था वो दूसरा आदमी? श्रेया, अगर ढाबे वाले का कहना सही है तो ये करण और कुमकुम इसी रास्ते से भाग गए जो गोवा से बाहर की तरफ जाता है। सर, लगता है वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, सर एक सेकंड गाड़ी। सर वो देखिए सुनहरी गाड़ी। रुक जाओ करण और कुमकुम, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बहुत हो गया भागना करण और कुमकुम, अब जरा काम की बातें कर ले। घूम जाओ। अच्छी तरीके से जानते हैं। चलो चलो देखो। क्यों एसीपी साहब, आते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये बताओ नकुल को कहाँ छुपा के रखा है? उसे छोड़ो, पहले अपनी खैर मनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के अब बहुत ही कम पल बचे हैं। मेरी जिंदगी छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी के बहुत कम पल बच चुके हैं कुमकुम जी, समझी? ओ, तो अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम और करण कभी गोवा गए। घूम जाओ। सर, ये तो हाँ, तो फिर करण और कुमकुम कहाँ है? तो अब सब कुछ जब तुम जान ही चुके हो तो तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा, अब तुम्हें मरना होगा। नहीं, नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, खेल खत्म हो चुका है, नीचे करो। सीआईडी वाले, तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? हाँ, मैंने फोन किया था जब तुम्हारे लोग किडनैप करने आए। क्या तुमने बुलाया था? तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों ने एसीपी साहब को किडनैप करके यहाँ पे लाया है? नहीं, एसीपी साहब जानबूझकर तुम लोगों के साथ यहाँ पर आया है। अच्छा, पर अब तुम लोग मुझे ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। ये क्या किया तुमने? जल्दी से एम्बुलेंस बुला, इसे ले जाओ, नकुल को वहां पे रखा है। चलो जल्दी। नकुल, नकुल। अच्छा आप आ गए सर, मुझे तो लगा ये लोग मुझे मार देंगे। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अब चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। पर कहां ले जाओ? चलो
ये आप मुझे कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें कुछ दिखाना है नकुल? वो देखो। ये तो कुछ पानी में से निकल रहा है। शायद ये तुम्हारा जूता है। ये मेरा जूता? हाँ नकुल, तुम्हारा ही जूता है। उस रात इस लेक पर जब तुम हमें मिले थे ना, तब तुमने ये जूता फेंका था। पर इस जूते पर से कुछ चीज निकला था, है ना नकुल? तुम्हें मालूम है वो क्या चीज है? नकुल, वो चीज ये है। और ये चीज तुमने एसीपी साहब के घर में रख दी है? और इस चीज पर खून लगा हुआ है। मैंने चेक किया है, ये खून करण का है। मैं उसी वक्त समझ गया कि करण की भी मौत हो चुकी है, और ये जो लाश है ये करण की लाश है। नकुल, उस रात तुम इस लेक पर आत्महत्या करने नहीं आए थे, तुम आए थे करण की लाश को ठिकाने लगाने। जमीन साफ रहनी चाहिए, फर्श चमकना चाहिए। नकुल, डीसीपी चित्रोले साहब ने जब ये मुझे चीज दिखाई ना ब्यूरो में, तभी मुझे याद आया कि बिल्कुल ऐसी चीज इस जूते पर लगी थी। ये जूता जो तुमने वहां झाड़ियों में फेंक दिया था, मैंने वहीं से इस जूते को ढूंढ कर लाया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप लोग कह क्या रहे? चुप, बंद करो ये नाटक। मुझे पहले से शक था तुम पर, बस सिर्फ ये देखना चाहता था कि असली बात क्या है। हमें पता चल गया कि डॉक्टर प्रियंका के क्लिनिक में तुम गए थे, तुम करण बन के। करण की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो ये बात दुनिया को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें पैसे दिए और तुम करण बनकर डॉक्टर प्रियंका के क्लिनिक में जाते थे। कौन था वो दूसरा आदमी? नकुल। और प्रियंका ने हमें बता दिया था कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। चाचा जी ने कहा है जमीन साफ रहनी चाहिए, फिर जमीन में खून क्यों है? फिर तुम्हें यहां पर जमीन साफ करने की जरूरत नहीं, जेल में करना। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने और कुमकुम ने करण से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे जो हम लोग चुका नहीं पाए, इसलिए मैंने चाचा जी और उनके परिवार का खून कर दिया और करण को फंसा दिया ताकि करण को कभी पैसे वापस देने ना पड़े, है ना? हाँ सर। ले जाओ, ले जाओ। केस सॉल्व हो गया,
मगर अपने आप को शाबाशी देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं जूते पे वो लगी हुई चीज नहीं देता तो केस सॉल्व हो ही नहीं सकता था। सुन लिया सड़क के तो ही नहीं सकता था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.